श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है। पुराण भारत की बहुत ही प्राचीन पुस्तकें हैं। सनातन धर्म का आधार पुराण है। पुराणों का निर्माण लोगों की भलाई के लिए किया जाता था। पुराणों में हमें धर्म, आचार विचार, संस्कृति, कर्मकांड, शास्त्र विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि का वर्णन मिलता है। सही मायने में देखा जाए तो पुराण में ही भारतीय संस्कृति का आधार है। वस्तुतः पुराण 18 है, जिनमें त्रिदेवों की महानतम शिक्षाओं को अंकित करके हमें सरल भाषा में समझाया गया है। आइए हम जानते हैं पुराण का अर्थ। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पुरा शब्द का अर्थ है अनागत एवं अतीत। अन्य शब्द का अर्थ होता है कहना या बतलाना। रघुवंश में पुराण शब्द का अर्थ है पुराण पत्रापक मागनत्रम एवं वैदिक वांग्यम में प्राचीन वृतांत। सांस्कृतिक अर्थ से हिंदू संस्कृति के वे विभिन्न विशिष्ट धर्म ग्रंथ जिनमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक का इतिहास वर्णन शब्दों में किया गया हो उसे पुराण कहे जाते हैं। पुराण शब्द का उल्लेख वैदिक युग के वेद सहित आदितम साहित्य में भी पाया जाता है। अतः यह सबसे पहले पुरातन माने गए हैं, पुराण माने जा सकते हैं। अथर्ववेद के अनुसार ऋचा सामानी छंदनासिसी पुराना यजुषा स, अर्थात पुराणों के आविर्भाव ऋक साम यजुष और छंद के साथ ही हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में तो पुराण वांग्मय को वेद ही कहा गया है। अब यह स्पष्ट है कि वैदिक काल में पुराण तथा इतिहास को समान स्तर में रखा गया है। अमरकोश यानी प्राचीन कोशों में पुराण के 5 लक्षण माने गए। सर्ग मतलब सृष्टि, प्रतिसर्ग मतलब प्रलय और पुनर्जन्म, वंश मतलब देवता व ऋषि सूचियां, मनवंतर 14 मनु के काल और वंशानुचरित मतलब सूर्य चंद्रादि वंशीय चरित्र। अभी सर्ग जो है वो पंच महाभूत इंद्रियगण बुद्धि यदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है इसमें। जो प्रतिसर्ग है उसमें ब्रह्मादि स्थावरांता संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन है। फिर वंश में सूर्य चंद्रादि वंशों का वर्णन है। मनवंतर में मनु, मनुपुत्र, देव, सप्तऋषि, इंद्र और भगवान के अवतारों का वर्णन है। और वंशानुचरित में प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन है। माना जाता है कि सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस प्राचीनतम धर्म ग्रंथ की रचना की उसे पुराण के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से पुराण देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों सभी का मार्गदर्शन करते रहे हैं। पुराण मनुष्य को धर्म एवं नीति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। पुराण मनुष्य के कर्मों का विश्लेषण कर उन्हें दुष्कर्म करने से रोकते हैं। पुराण वस्तुतः वेद का विस्तार है। वेद संस्कृति भाषा में लिखे हुए हैं जिन्हें आज भी समझ पाना बहुत जटिल है। इसलिए वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना और पुनर्रचना की है। कहा जाता है कि पूर्णात पुराण जिसका अर्थ है जो वेदों का पूरक हो, अर्थात पुराण जो वेदों का टीका है। वेदों की जटिल भाषा में कही गई बातों को पुराणों में सरल भाषा में समझाया गया है। पुराण साहित्य में अवतारवाद को प्रतिष्ठित किया गया है। पुराणों में त्रिदेवों के सभी अवतारों का वर्णन मिलता है। इन अवतारों का मूल उद्देश्य धर्म की स्थापना करना होता है। पुराणों में हमें उनकी अनमोल शिक्षा का लाभ मिलता है जिसे अपनाकर हम तर सकते हैं। निर्गुण निराकार को सत्ता को मानते हुए सगुण साकार की उपासना करना पुराणों का परम विषय है। पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र में रखकर पाप पुण्य, धर्म अधर्म और कर्म अकर्म की कहानियां हैं। प्रेम, भक्ति, त्याग, सेवा, सहनशीलता ऐसे मानवीय गुण हैं जिनके अभाव में उन्नत समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। पुराणों में देवी देवताओं के अनेक स्वरूपों को लेकर एक विस्तृत विवरण मिलता है। पुराणों में सत्यों को प्रतिष्ठित में दुष्कर्म का विस्तृत चित्रण पुराणकारों ने किया है।
पुराणों का मूल उद्देश्य है लोगों को धर्म की शिक्षा मिलती रहे, ताकि वे सही रास्ते पर चलकर अपने को परमात्मा के समीप लाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकें। आज के समय के अनुसार हमें पुराणों को पढ़ने का समय नहीं मिलता, पर हमें समय निकालना चाहिए और भारतीय संस्कृति को पढ़ना चाहिए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।